अब यहाँ तक जहाँ तक पहुँचे, अगर आपके दिमाग में किसी के दिमाग में कोई सवाल हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं, हम तीनों यहाँ पे हैं। एनीबडी हैविंग एनी क्वेश्चन? मेरे ख्याल से यस। ब्लॉकेज इज नॉट द रीजन ऑफ ये तो एग्जैक्टली क्या ना, मेरे ख्याल में मुश्किल होगा कि ब्लॉकेज इज नॉट द, लेकिन ब्लॉकेज जो जो ब्लॉकेज है नेचुरली, मैंने शायद इस तरह नहीं कहा था, मैंने कहा था कि जो बाईपास है ब्लॉकेज को, बाईपास है नेचुरल बाईपास है, जो नेचुरल बाईपास अपने आप बन जाता है, नेचर हैज द कैपेसिटी टू बिल्ड नेचुरल बाईपास। वो डॉक्टर साहब भी बहुत कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, वो उसके फुल्ली कन्विंस्ड हूँ मैं भी, कि कुदरत अपने आप अपना बाईपास बना लेती है, कुदरत के अंदर ये क्षमता है कि वो खुद अपना बाईपास बना सकती है। और ये जो डाइट डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, जैसे जो हम लोग डाइट कह रहे हैं, इस डाइट से 3 महीने के बाद हम किसी भी व्यक्ति को गारंटी दे सकते हैं कि 3 महीने के बाद उसको कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। आई हैव अ क्वेश्चन सर, जैसे आई हैव लॉट ऑफ थायराइड पेशेंट्स, तो उनका डी आई बी डाइट से बिल्कुल ठीक हो जाता है, बट इन सम केसेस आई हैव सीन विद वाटर टी डी एस इज वेरी लो, मतलब हमारा पेशेंट है बहुत अच्छा डाइट फॉलो कर रहा है, बहुत रिग्रेसली डाइट फॉलो कर रहा है, बट उसका टी एस एच लेवल नीचे नहीं आया, दोनों सेम पेशेंट है, बट एक पानी पी रहा है 400 टी डी एस का, उसका थायराइड ठीक हो गया, और एक का है बॉम्बे में 60-70 टी डी एस, उसका थायराइड ठीक नहीं हो रहा। सो सर, इज देर एनी थिंग दैट यू नो हम पानी नेचुरली कैसे उसको एक सेफ जोन में ला सकते हैं? मैंने हमने बोला मटके में आप कॉपर रखो, उसमें तुलसी डालो, बट स्टिल द टी डी एस इज नॉट राइजिंग अप। बट व्हाट आई हैव सीन इन लास्ट 7-8 ईयर्स, थायराइड पेशेंट सर ठीक हो रहे हैं, 99% ठीक हो रहे हैं, बट कुछ पेशेंट्स हमने ये ऑब्जर्व किया जिनका ठीक नहीं हो रहा था, उनका टी डी एस बहुत कम है, और गवर्नमेंट आर ओ जो लगाते हैं उसमें नेचुरली 30-40-50 सेट करके देते हैं। मेरे घर का टी डी एस रनिंग इज 400, और जो मैंने अपना आर ओ चेक किया इट वॉज 60, सो दैट वॉज शॉकिंग। तो मैंने सबके अपने स्टूडेंट्स का चेंज कराया, बहुत से रिजल्ट आए। तो मेरा क्वेश्चन सर ये है कि जिनका ऑलरेडी रनिंग वाटर ही 60-70-80 स्पेशली इन मेट्रो सिटीज लाइक, तो उनको हम कैसे मतलब कुछ हम कुछ एक सेफ जोन में ला सकते हैं सर? थैंक यू। राइट, देखिए इसमें आप देना सर। ओके, अच्छा इसमें जो मेट्रो में रहते हैं, जैसे मैं भी रहता हूँ इधर, तो यहाँ का पानी का कोई भरोसा नहीं है। जी जी। तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ पेशेंट्स को, विच आई डू फॉर माई सेल्फ, दैट आई डोंट ड्रिंक वाटर मच, राइट, डोंट डिपेंड ऑन वाटर। जो लोग डी आई पी डाइट में रहते हैं, तो आप एक्चुअली ये जब खा रहे हैं तो आप पानी ही खा रहे हैं, पानी खा रहे हैं एक्चुअली सर। तो ऐसे में आपकी जो जो प्यास है या रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर है वो पूरी हो जा रही है, इफ़ नॉट 100% 95% हो जा रहा है। और जैसे आप जूस पीते हैं दिन में, जैसे एक फ्रूट जूस पीते हैं, एक वेजिटेबल जूस पीते हैं, और एक नारियल पानी पीते हैं, मान लो 3 बार तो आपने ड्रिंक लिया, तीनों बार एक अच्छा खासा क्वांटिटी पानी गया, और इस क्वांटिटी ऑफ पानी में आर ओ का कोई हस्तक्षेप नहीं है, म्यूनिसिपल की जो पानी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो यू हैव टू स्टार्ट गेटिंग वाटर फ्रॉम द प्योरेस्ट सोर्स। और भगवान ने सबसे बढ़िया दुनिया का जो सबसे सेफेस्ट एंड द बेस्ट मिनरल वाटर भगवान ने बनाकर दिया पैक करके, दैट इज़ कोकोनट वाटर। तो कोकोनट वाटर को मैं कई बार ऐसा देखा है कि पेशेंट अगर कुछ खा नहीं पा रहा है, वो कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं पी पा रहा है, तो भी ड्रॉपर से अगर हम, जब वो लेटा हुआ है उसको ड्रॉप बाई ड्रॉप अगर हम कोकोनट वाटर देना शुरू कर दें, तो भी चांसेस हैं दैट लाइफ में कम बैक, राइट। तो जो भगवान का दिया हुआ पानी है वो कोकोनट वाटर पे आप रिलाई कर सकते हैं, एंड जब प्यास लगे तो थोड़ा बहुत, जैसे भर भर के ग्लास में पानी पीने की ज़रूरत नहीं है, तो यही कर सकते हैं, क्योंकि हम में से बहुत थोड़े से लोग होंगे जो यहाँ से छोड़ के मेट्रो कोई हिमालय में जाके बसना नहीं चाहेंगे, शायद एक आध कोई हमारे यहाँ पे राकेश कुमार जी हैं यहाँ पे, जिन्होंने ये शहर छोड़ के देहरादून के पहाड़ों में जाके बस ही गए हैं, हमारे बीच में आए, वहीं से आए अभी। हाँ, तो एक तो इनकी तरह थोड़े से लोग होंगे, तो दो ही ऑप्शन है, या तो आप राकेश कुमार वर्मा जी की तरह बन जाइए, जो मार्शल आर्ट्स के 6 या 7 ब्लैक बेल्ट भी हैं, ठीक है ना, वो भी सीख सकते हैं अगर वहाँ जाएंगे तो आप, और ये हमारे गुरु भी हैं, इन्होंने हमें भी सिखाया है, तो थैंक यू सर। तो या तो इनकी तरह बन जाइए, बिल्कुल सर, या फिर ये आप पानी के लिए डिपेंड ऑन फ्रूट्स वेजिटेबल एंड कोकोनट वाटर। थैंक यू सर। लास्ट नॉट द लीस्ट सर, आई हैव अ कम्युनिटी ऑफ, एक दो बातें ऐड कर दूं मैं इसमें पानी वाले बात में। एक तो मुझे याद है
आज से 10 साल पहले मैंने जब अखबार में आर्टिकल छपाया था कि आर ओ वाटर इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, तो बड़ा हंगामा हुआ था। मुझे आज भी याद है, पूरा दिन मुझे फ़ोन आते रहे थे कि ये आपने क्या कह दिया। तो वो तब की बात है। तो आर ओ वाटर इज़ नॉट ए गुड वाटर, ये तो पहली बात, तो सीधी सी बात है। आर ओ का आर ओ पानी अगर पीना है आपको, अगर मान लीजिए आपकी टी डी एस डब्ल्यू एच ओ कह रहा 500, आप 350 तक तो कम से कम रखिए। तो जो वो अगर आर ओ का पानी पीना ही है, मजबूरी है आपकी, टी डी एस ज़्यादा है, तो या तो टी डी एस कम है फिर तो आर ओ मत लगवाइए, दूसरा फिल्टर लगवाइए सर, सिर्फ जो ऑर्डनरी फिल्टर है। अगर टी डी एस बहुत ज़्यादा है आपकी, 500 से ऊपर है, तो आप आर ओ लगवाइए, तो लेकिन टी डी एस उसकी सेट करवा लीजिए 250-300 पे, या 60-60 सब वाला पानी पीना तो ऑफकोर्स डेंजरस है, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो मिनरल्स हैं पानी में जिस फॉर्म में हो, दैट इज द बेस्ट फॉर्म, ईजिली यूटिलाइजेबल फॉर्म में है वो। अब ऑफकोर्स दीज आर द बेस्ट, दीज आर द बेस्ट, इससे नेक्स्ट जो नेचुरल पानी में है वो है, ये तो लिविंग वाटर है ना। अभी पानी में भी बहुत कुछ आ गया, पहले तो अल्कलाइन वाटर आया था, फिर हाइड्रोजनेटेड वाटर आ गया, अब लिविंग वाटर का कंसेप्ट आ गया। लिविंग वाटर का हम जो अपने पेशेंट्स को बोल रहे हैं, वो हमने एक बड़ा सिंपल सा उसमें रखा, जो फल वाल ज़्यादा नहीं खा सकते, तो उसमें कॉपर ऑफकोर्स अपने जो जिस बर्तन में आप पानी स्टोर कर रहे हो उसमें कॉपर की एक प्लेट फेंक दीजिए, वो तो कॉपर आ जाएगा उसमें। उसको कांच के जार में, ग्लास जार में डालिए, उसमें 10-15 पत्ते तुलसी के, 10-15 पत्ते पुदीने के, और 5-3-4 स्लाइसेस नींबू के, और 3-4 स्लाइसेस खीरे के डाल दीजिए। अब सर्दियों में 48 आवर्स तक के लिए जितना पानी निकाल के पीना है उतना और डाल देना, जितना पीना है उतना और डाल देना। तो सर्दियों में 48 आवर के बाद बदल लीजिए, और गर्मियों में 24 आवर्स के बाद। थैंक यू। तो ये सिंपल सा लिविंग वाटर का। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर सिंगल फ्रूट पे चलते हैं, जैसे कि या तो केला या फिर आम, पूरे दिन सिर्फ एक ही फ्रूट खाएंगे तो टॉयलेट तो बार बार आएगा, लेकिन वीकनेस क्यों आता है? ये क्या मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ आपसे। तो देखिए, सिंगल फ्रूट पे आपने देखा भगवान ने फ्रूट सब अलग अलग रंग के बनाए हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि सबकी अलग अलग खूबियाँ हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि फोर टाइप्स डज नॉट मीन एग्जैक्टली फोर टाइप्स, लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक दिन सिर्फ आम खा रहे हैं, अगले दिन सिर्फ केला खा रहे हैं, ऐसा भी कर सकते हैं जी। और वीकनेस तभी आती है जब जितनी क्वांटिटी आपकी बॉडी को चाहिए उससे जब कम क्वांटिटी लेते हैं तो वीकनेस आएगी, क्योंकि हम आदित नहीं है फ्रूट्स खाने के, और इसमें टाइम कंज्यूम भी होता है। जितना क्वांटिटी मैं बताता हूँ डी आई पी डाइट में, उतनी क्वांटिटी खाने के लिए कम से कम आधा घंटा पौना घंटा चाहिए होता है, और उतना तो आदत नहीं। हम तो भाग भाग के ब्रेड का एक पीस टोस्ट लेके खाने वाले लोगों में से हैं ज़्यादातर लोग, तो उन जो कि 10 मिनट में वो खाना कंप्लीट करते हैं, उनके लिए आधा घंटा भारी पड़ जाता है, तो दे एंड अप ईटिंग लेस। वो 20 मिनट में खाते हैं, सोचते हैं कि मैंने बहुत कुछ खा लिया, जबकि उसमें तो 80-90% तो पानी ही है ना, तो आपने क्वांटिटी कम ली, और या तो फाइबर है उसमें, राइट, तो इसीलिए आप वीक फील कर रहे हैं। इसीलिए मैंने फॉर्मूला बना के भी दिया कि कितनी क्वांटिटी में अप्रोप्रिएट होगा, ये मानते हुए कि आपकी सीडेंट्री लाइफ है। अगर तो आपकी एथलेटिक लाइफ है तो ये क्वांटिटी जो मैंने फॉर्मूले में बनाया वो भी कम है, और या फिर आपको अगर वीकनेस की फीलिंग आ रही है, अनयूजुअल वेट लॉस हो रहा है, इसका मतलब बॉडी आपको बता रहा है कि देखो भाई ये क्वांटिटी कम है, आपको बढ़ाओ। तो आप देखते हैं जब गायें हैं वो चबाती रहती है दिन भर, राइट, तो आपको वैसे ही गाय की तरह बन जाना है। बहुत ज़्यादा टाइम लगा के खाना पड़ेगा क्योंकि ह्यूज क्वांटिटी। आप बजट बना लीजिए कि 45 मिनट्स में ब्रेकफास्ट में लगना चाहिए, 45 मिनट्स लंच में, 45 मिनट डिनर में, इतना इन्वेस्टमेंट करना है टाइम का। जब इतना अगर आपने खाया लगातार तो लगभग उतना चला गया जितनी की एक्चुअली ज़रूरत है, फिर ये जो वीकनेस है ये नहीं आएगी। हाँ, टॉयलेट कई बार आएगा तो जाइए टॉयलेट, कई बार अगर आता है तो टॉयलेट आना कोई ख़राब बात नहीं है। हाँ, डिस्कम्फर्ट है, लेकिन क्योंकि हम इसमें ना पानी ज़्यादा पीते हैं एक्चुअली, जब आप खा रहे हैं ना ये वाला फूड तो एक्चुअली अब पानी भी इंटेक ज़्यादा हो रहा है इनडायरेक्टली, तो इंटेक ज़्यादा होगा तो वो बॉडी उसी स्पीड से बाहर निकालेगी, तो लेकिन वो ठीक है। हमें क्यों ऐसा लगना है कि दिन में 2 ही बार जाना है मुझे टॉयलेट में या 3 ही बार जाना है, वाई टू काउंट दिस, राइट, ये कौन डिसाइड करेगा कितनी बार जाना बिल्कुल ठीक होता है? ये तो आपका बॉडी डिसाइड करेगा, राइट, आपने खुद ही एक स्टैंडर्ड बना दिया, अगर मैं 2 बार से ज़्यादा टॉयलेट जा रहा हूँ तो वो ज़्यादा है। ज़्यादा का जो डेफिनेशन है वो क्या है, वो किसी का कोई भी एक स्टैंडर्ड हो सकता है, जो ज़्यादा या कम हो सकता है या उतना ही हो सकता है, जितना आपका बॉडी चाहता है उतना जाइए, उसको रोकिए मत। जब आप रोकते हैं तो वो स्टैग्नेंट हो जाता है, एंड देन दैट कैन लीड टू इन्फेक्शन एक्सेट्रा, हालांकि लॉन्ग टर्म तक, राइट, एक आध दिन में नहीं होगा। तो ये छोटी सी बात। सर सेकेंड क्वेश्चन, कैन आई एड समथिंग टू व्हाट यू आर सेइंग? देखो,
ऐसा है, आप बैठिए देखिए इतने लाइफ फॉर्म्स हैं दुनिया के अंदर, वो किससे जिंदा है? क्या वो माइंड से जिंदा है? क्या एक बकरी जब खाती है अलग अलग तरह की हर्ब्स, वो किस पर जिंदा है? उसको किसी ने पढ़ाया है कि यह हर्ब खानी है या नहीं खानी? इंस्टिंक्ट है, जिसको बॉडी इंटेलिजेंस कहते हैं। बॉडी इंटेलिजेंस सबसे सुपीरियर इंटेलिजेंस है दुनिया की, जिससे माइंड इंटेलिजेंस उसी का हिस्सा है। बॉडी इंटेलिजेंस आपको बता देती है ये चीज मुझे इतनी अच्छी लग रही है, इसके बाद इतना नुकसान कर रही है, ये इसका फायदा हो रहा है, ये मेरा दिल कर रहा है, राइट? एक्सेप्ट फॉर वन पर्टिकुलर पॉइंट इन मेडिसिन, इन द मेडिकल फील्ड, विच इज सुसाइडल इन नेचर। जैसे शराबी शराब के बिना नहीं रह सकता, राइट? उसके अलावा, या जब आदमी खुद सुसाइड कर लेता है अपनी गन को या अपने, उसके अलावा जितनी भी इंस्टिंक्ट है, जितनी भी इंटेलिजेंस है, वो आपके फेवर में काम कर रही है, उसको यूज कीजिए आप। इवन व्हेन, फॉर एग्जांपल, इफ ही हैज प्रिस्क्राइब्ड दीज 10 टाइप्स ऑफ थिंग्स फॉर यू, देन यू शुड चूज एंड विच विल कीप ऑन चेंजिंग। 15 दिन हो सकता है आपको सिर्फ सेब अच्छा लगे, 15 दिन बाद आपको ये सेब अच्छा लगना बंद हो जाए, क्योंकि बॉडी के हालात चेंज हो गए हैं, फिर आपको केला अच्छा लगने लग जाए। And this happens. So please trust your body intelligence. Sir, second question. Game of life. तो वो थोड़ा सा इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा जो DIP डाइट के बारे में, जो मैंने पर्सनली देखा और ट्राई किया, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। DIP डाइट ऑफ कोर्स इज द बेसिस ऑफ गुड डाइट, दिस इज अ वेरी फंडामेंटल थिंग फॉर द गुड डाइट। उसके ऊपर हमने मिलेट्स का कॉन्सेप्ट डॉक्टर खादरवली से लिया। डॉक्टर खादरवली इज़ ए वंडरफुल पर्सन, वंडरफुल साइंटिस्ट, जिसने पिछले 25 सालों में रिसर्च करके 5 मिलेट्स निकाले हैं जो एक वंडर ग्रेन्स हैं। उनमें जो 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 स्टार्च का अरेंजमेंट है, स्पायरल है, और फाइबर कॉन्टेंट 8-12% है, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं बहुत बैलेंस्ड हैं। अगर प्लेट 2 में अगर मिलेट्स कर देते हैं, चावल और गेहूँ के की भी जाए, तो वंडरफुल रिजल्ट्स हैं उसे, उसके रिजल्ट DIP डाइट के मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये जो मिलेट्स वाला फंडा है, ये भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमको ओपन माइंड रखना चाहिए कि मिलेट्स के रिजल्ट्स बहुत ही वंडरफुल हैं, और हम सिर्फ मिलेट्स दे ही नहीं रहे अपने पेशेंट्स को, हम उगा भी रहे हैं किसानों को। हमने पिछली बार 3,000 किसानों को मिलेट्स लगवाए हैं पंजाब में, हालांकि हमारा टारगेट 10,000 था, लेकिन वो कोरोना की वजह से हम वो बीज नहीं बांट सके। तो उस जब वो बीज बांटने का टाइम था तो बहुत सख्ती थी मूवमेंट में, तो परमिशन विशन लेके हमने DC से वो परमिट लेके फिर मूव करके बांटे बीज। लेकिन इस बार हमारा कम से कम भी हम 30,000 को लगाएंगे। तो ये पूरे का पूरा वो जो कुटकी है, कंगनी है, हरी कंगनी है, सुहांक है, और कोदरा है। अंग्रेजी में बोलेंगे उसको तो कोदरा कोडो मिलेट है, जो कंगनी है फॉक्सटेल मिलेट है, जो हरी कंगनी है ब्राउन टॉप मिलेट है, कुटकी है लिटल मिलेट है, और जो ये जो बार्नयार्ड मिलेट है स्वांक बार्नयार्ड मिलेट है। ये 5 हैं, 5 मिलेट्स हैं ये वंडर। डॉक्टर खादरवली 3 में बांटते हैं टोटल नाजों को, टोटल ग्रेन्स को 3 भागों में बांटते हैं वो, नेगेटिव ग्रेन्स, न्यूट्रल ग्रेन्स एंड पॉजिटिव ग्रेन्स। नेगेटिव ग्रेन्स बोलते हैं सिर्फ दो ही अनाजों को, गेहूँ और चावल, दैट इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग, जो हमारे स्टेपल फूड्स हैं। White rice and wheat are the negative grains which create sickness. और वो बहुत true है, वो बहुत true है। मैंने अपने आस पास में बहुत लोगों को देखा है, मोमेंट आप उसको छोड़ो तो आपके रिजल्ट इतने वंडरफुल आते हैं कि आपके इमेजिनेशन से भी ज़्यादा। हाँ, सब एंगल से, वो डाइजेस्ट होने के एंगल से, एपिटाइट आपकी फुलफिल करने के एंगल से, और रिजल्ट्स के एंगल से, और टेस्ट के एंगल से, मच बेटर टेस्ट देन वाइट राइस। इतने बढ़िया बनते हैं वो कि आप भूल जाओगे राइस खाना उनको, जो जिस जिसको ये कुक करने आ गए, सिर्फ उसकी कुकिंग नई थोड़ा सा तरीका अलग है उसका, लेकिन जो भी उसको कुक करने लगता है वो फिर ना तो गेहूँ की तरफ देखता है ना फिर चावल की तरफ देखता है, वो दोनों किसी भी पैरामीटर से वो इन्फीरियर हैं उन 5 के मुकाबले में। तो बाकी न्यूट्रल ग्रेन्स हैं, न्यूट्रल ग्रेन्स में वो आ गई आपकी मक्का आ गया, ज्वार आ गई, रागी आ गई, प्रोजो मिलेट आ गया, आपका वो आ गया, तो क्या बोलते हैं उसको, अमरेंथस आ गया, बाजरा आ गया, आपका आ गया, आपका वो जो क्या नाम, किनवा
ये न्यूट्रल मिनरल का मतलब है जिसका फाइबर कॉन्टेंट लगभग 4% है, वाइट राइस का 0.2% है, वीट का 1.2% है, ये जो न्यूट्रल मिलेट्स हैं इनका 3-4% है, और ये जो पॉजिटिव मिलेट्स हैं इनका 8-12% है, और उनमें जो स्टार्च का अरेंजमेंट है वो कॉन्सेंट वो है स्पायरल फाइबर के साथ साथ थोड़ा थोड़ा। तो वो क्या करता है, जो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि ऐसा फूड खाना है जिससे ग्लूकोज धीरे धीरे स्लोली रिलीज हो, ताकि वो जो एक चम्मच ब्लड में, डॉक्टर साहब जो बड़ी बहुत बढ़िया समझाते हैं कि पूरे ब्लड में एक चम्मच ग्लूकोज का है, वो एक चम्मच 24 घंटे रहना चाहिए, एक चम्मच को हमको रिप्लेस करना है, इतने स्लो करना है कि वो एक चम्मच ही रहे, वो 6 चम्मच ना हो जाए, वो जो 6-8 चम्मच हो जाते हैं, जब 10 चम्मच हो जाते हैं फिर वो, तो ये पूरे का पूरा मिलेट्स में इतने बहुत बढ़िया गुण है। तो माय रिक्वेस्ट टू ऑल द फ्रेंड्स इज कि इसको हम प्रमोट करें इन प्लेट टू में, अगर ऑर्डिनरी फूड के बजाय अगर मिलेट्स आएंगे तो वंडरफुल रिजल्ट्स आएंगे। सर दूसरा क्वेश्चन, सांप के काटने पर DIP डाइट के साथ में क्या कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए? DIP डाइट के साथ क्या कुछ एक्स्ट्रा करें, जैसे सांप के काटने पर? सांप काट ले तो जी, सांप काट ले तो इसका तो आंसर नहीं है, कभी मुझे काटा नहीं अभी तक सर। इसका आंसर ये, इसके आंसर मैं बताता हूँ आपको, आपके पीछे बैठे हैं राकेश कुमार वर्मा जी जो सांप के एक्सपर्ट हैं, एक टाइम पे जब, अभी तो सांप रखना अलाउड नहीं है, जब सांप रखना अलाउड था तब वो सांप को लेके ही सोते थे, सर ने भी सांप मारा हुआ है, तो माइक जरा पीछे दे दीजिए, वो आपको अच्छा है कि आप उनके आगे जस्ट बैठे हैं बाई चांस आपको तो बचा ही लेंगे। मैं फर्स्ट एड तो बता सकता हूँ इसके बारे में कि अगर सांप काट जाता है, वैसे ज़्यादातर सांप जो काटता है वो या तो पैरों में काटता है या हाथों में काटता है, क्योंकि अब जब हम चल रहे होते हैं तब वो उसके ऊपर पाँव पड़ जाए, या हम लेटे हैं तो हाथों पे अपने आप को बचाने के लिए हम उससे उसके पर हाथ चलाते हैं। तो इसकी फर्स्ट एड सिंपल सी है, अगर हम फर्स्ट एड को अच्छी तरह से जान ले तो मेरे को लगता है, या मैंने अपने 40 साल के जीवन के अंदर इनके साथ में रहा और रिसर्च की इसके ऊपर बहुत, तो उसको ज़रूरत नहीं है इलाज करने की, किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और वो फर्स्ट एड जो है वो आर्मी पर्सन को भी सिखाई जाती है, तो मैं डिफेंस में भी था लेकिन ये तो मेरा हॉबी थी, मेरी शौक थी। तो फर्स्ट एड इसकी ये है कि जब भी सांप काट जाता है कोई भी, तो ज़्यादातर लोग जो है उसकी दहशत से ही मर जाते हैं। 4 तरह के सांप जो है वो जहरीले होते हैं, तो जहरीला सांप जब काट जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, स्किन को पकड़ के थोड़ा सा ऊपर उठा के उसमें काट देना चाहिए थोड़ा सा, ताकि ब्लड बाहर आना शुरू हो जाए। ये फर्स्ट एड जो कर लेता है उसका ब्लड जहां पॉइजन गया है वहीं पे ही सारा पॉइजन बाहर आ जाता है, और ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़ती है हमें तो हम कोनी से ऊपर, या पैर में काटता है तो नी से ऊपर, क्योंकि नी से नीचे जो है वो डबल बोन होती है, अगर वहाँ बांधते हैं तो पॉइजन जो है वो ऊपर चला जाता है, ऐसे ही यहाँ पर भी है। तो फर्स्ट एड हम कर लें तो मेरा ख्याल में ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी और दूसरे इलाज की, और मैंने सारा जीवन जो है मैंने इसी तरीके से इलाज किया लोगों का। वैसे तो दवाई भी बनाते हैं हम, लेकिन मेरा ख्याल में मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे भी कई बार काटा, कोबरे ने भी काटा, मैंने ऐसे ही इलाज किया अपना सीखते समय। मेरे टीचर थे तो मैं पंजाब से ही हूँ, तो यही मेरे ख्याल में फर्स्ट एड है। थैंक यू वेरी मच सर। मेरा क्वेश्चन, एक मैं टाइप 1 डायबिटीज़ का बच्चा ट्रीट कर रही हूँ, उन्हीं की मदर का मुझे कॉल आया, वो अभी देख रहे हैं आपका लाइव शो, उनको 1.5 साल हो गया बच्चे को, अभी मैं 20 दिन से उसका ट्रीटमेंट कर रही हूँ, और सर व्हाट आई फाउंड कि अभी उसका एक ही यूनिट जा रहा है 18 दिन में, और वो भी कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं, और मैं मना करती हूँ उसके बाद भी वो डर के कारण देते हैं कि 300 लेवल है और मुझे डाउन करना है। एक यूनिट में उनका लाइक एक बार तो 80 भी आ गया, तो इस सर वो उनका उनका क्वेश्चन है, वो ये पूछ रहे हैं कि 1.5 साल के बच्चे जो इंसुलिन ले रहे हैं वो ठीक हो सकता है, ये उन्हीं का क्वेश्चन है। 1.5 साल का बच्चा है? 1.5 साल नहीं सर, 10 साल का बच्चा और 1.5 साल से यूनिट इंसुलिन पर है। देखिए इसमें मैं बताता हूँ कि अभी मैंने बताया भी था आपको सर, आई नो बट उन्हें ट्रस्ट नहीं हो रहा। हाँ, कि जो पेशेंट हमारे पास आते हैं 1 साल 1.5 साल के अंदर अंदर, उनमें से 40% ऐसे पेशेंट होते हैं, 40% ऐसे बच्चे होते हैं जो डाइट 100% तो कोई बच्चा फॉलो नहीं करता, 80% फॉलो करता है तो वो इंसुलिन फ्री हो जाता है। उनमें से कुछ टेस्टिमोनियल उन्होंने बुक में भी डाला है, दोज हु आर नॉट टेकिंग इंसुलिन एट ऑल, कई सारे पेशेंट का डाला हमने, ठीक है ना। तो ठीक हो जाएगा कि नहीं, द आंसर इज़ येस। कितना परसेंट प्रॉबिलिटी है? 40%। अच्छा 60% ठीक क्यों नहीं होगा?
और उनका क्या होगा, ये अगला क्वेश्चन आता है। वो अगर एक यूनिट ले रहा है वो भी कई दिनों में, तो वो ठीक वाले कैटेगरी में है। अब रहा सवाल वो 300 है तो वो डर के मारे लेते हैं। सर एवरेज तो उसका 250 से अंडर आता है, अंदर आता है, कभी कभी 300 आ जाता है विदाउट इंसुलिन। हाँ विदाउट इंसुलिन, कभी कभी ज्यादा आता है या कम भी आता है तो उनको ज्यादा लगता तो दे देते हैं, ऐसा ही कुछ है ना। तो देखिए एक बात आप समझिए कि जैसे मैं अपना, अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं डायबिटीज पेशेंट नहीं हूँ तो मैंने जिंदगी में सिर्फ एक दो बार ही ब्लड शुगर चेक किया अपना। हाँ लेकिन जब मैंने चेक किया तो मैंने देखा कि जब मैं स्ट्रेस में होता हूँ, स्ट्रेस की कोई वजह होती है, उस वक्त मेरा भी 300 पहुँच गया था। राइट, एंड ये कुछ साल पहले की बात बता रहा हूँ, मैं 2017 की बात बता रहा हूँ। और ऐसा मैंने अपने पेशेंट में, जिनको मैं कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग पे रखता हूँ जस्ट फॉर फन, कि देखें क्या होता है एक नॉर्मल इंसान को जो हेल्दी है, राइट, जिसको ब्लड शुगर की दिक्कत बिल्कुल नहीं है, उनको मैं कई बार रखता हूँ कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग। यहाँ चिपकाते हैं हम एक एक चिप सा होता है, तो उनको भी मैं देखता हूँ और मैं नोटिस करता हूँ कई बार जब वो स्ट्रेसफुल हो जाते हैं पर्टिकुलर सिचुएशन में, उन सबका ब्लड शुगर इंक्लूडिंग मी 300 से ऊपर चला जाता है। लेकिन हम लोग क्योंकि अपने ब्लड शुगर को उतना डीपली कभी देखते ही नहीं, तो हमें लगता है 300 ज़्यादा नंबर है। लेकिन उस बच्चे का, हमारे एज ए पेरेंट, उनको आदत पड़ गई डीपली कई कई बार चेक करने की, तो जाहिर सी बात है जब मेरा ब्लड शुगर 300 से ऊपर जा सकता है, जब सबका जा सकता है जितने लोगों को मैंने चेक किया कभी कभी, तो उसका भी जा सकता है। लेकिन जब उसका जा सकता है तो पैनिक पैटर्न दब गया कि ये तो पैनिक वाली बात है। अभी आप बता रहे थे सांप के काटने में, सर वन यूनिट में उनका 80 पहुंच जाता है, जबकि मैं उसको मना करती हूं, उसको इंसुलिन की जरूरत नहीं, उनको एजुकेशन की जरूरत है उन पेरेंट्स की। ये जो आज का भी ये ट्रेनिंग है ना, ये एजुकेशन का एक पार्ट है, ताकि उनके दिमाग में जो भ्रम पैदा कर दिया है जो डॉक्टर्स ने कि भाई आपको अगर 100 से ऊपर हो गया ब्लड शुगर या 200 से ऊपर हो गया तो ऐसा हो जाएगा, उसी में जाहिर सी बात है पेरेंट है, जो उनको सिखाया गया है उसी से इन्फ्लुएंस होंगे। तो इसीलिए हमें ऐसा चाहिए कि ऐसे पेरेंट्स का ग्रुप हमें बनाना चाहिए, ऐसे पेरेंट्स का, ऐसे बच्चों का, ताकि वो आपस में इंटरेक्ट करें और अपने एक दूसरे से सीखें, और ताकि उनको इंसुलिन से बाहर निकलना मुश्किल नहीं है, इंसुलिन के भ्रम से बाहर निकलना ब्लड शुगर उससे ठीक करना, बॉडी तो ठीक हो ही जाएगी। सर आई हैव क्योर्ड मोर देन 50 पेशेंट ऑफ डायबिटीज टाइप 2। आई वांट टू ऐड समथिंग टू व्हाट डॉक्टर साहब इज सेइंग। देखिए बॉडी एक रिदम की तरह व्यवहार करती है, जैसे आप सोते हैं जागते हैं, आपका पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है जो आपको अंदर से बेसिक एनर्जी दे रहा है, जैसे स्लीप में वो काम करता है, राइट, जब आप रेस्ट करते हैं। सिंपेथेटिक है जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं उस एनर्जी को यूज़ कर रहा हूँ, ये सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम है। बॉडी की रिदम में कभी भी रीडिंग्स जो हैं वो एक जैसी नहीं होती, अनलेस अंटिल बॉडी इज, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी एग्जाम्पल दिया कि व्हेन ही इज इन स्ट्रेस एज अ डिफेंस मैकेनिज्म द बॉडी विल कैन रेज द शुगर टू 200-300, राइट, एट दैट पर्टिकुलर टाइम। सिमिलरली इवन इन अ पेशेंट, द पेशेंट इज नेवर एक्सपेक्टेड टू बिहेव 80 से लेके 300 तक या 250 तक, वो रेंज साइक्लिक रेंज है। जब भी कोई क्योरिंग कोई होती है वो एक जैसी नहीं होती, कभी भी पेशेंट्स में एक ये बड़ी प्रॉब्लम है। आप ये चाहते हैं कि हमेशा एक तरह की रीडिंग आए, which is not right. Sir, what I found, normally लोग क्या करते हैं, कुछ भी खाते हैं फिर अपना शुगर लेवल चेक करते हैं, what if चार्ज हो आ गया, कोई टाइम सेट उनका लिमिट नहीं है। नहीं, मेरी बात सुनिए, देखिए बहम, तभी तो लुकमान हकीम के बारे में कहा गया कि बहम का इलाज उनके पास नहीं था। ये बहम का इलाज तो कोई नहीं है ना दुनिया में। तो बहम इज, इट्स अ काइंड ऑफ, ज्योतिष में केतु होता है इसका इंचार्ज, यू नो, इफ यू नो ज्योतिष। हाई डायबिटीज का एक्चुअली मेन सिम्टम क्या है, प्लीज उसका थोड़ा बताएं, क्योंकि लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है इस चीज के लिए। सिम्टम बेसिक हाई नंबर के अलावा और क्या सिम्टम हो सकता है? देखिए सबसे पहले तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, व्हाट आई सॉ द फर्स्ट सिम्टम टू स्टार्ट विद, बॉडी ट्राइज टू रिलीज द एक्सेस शुगर, जो एक्सेस शुगर है बॉडी उसको रिलीज करके उसको बैलेंस करना चाहता है। एक्सट्रीम वीकनेस होता है, दैट इज सेकंड सिम्टम। वेट लॉस शुरू हो जाता है स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन, राइट, तो क्योंकि वो शुगर बॉडी में लगी नहीं रहा, तो इस तरह के अनयूजुअल सिम्टम्स होते हैं। बेजाने इन्फेक्शन काफ़ी होता है, आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। जब हम बोलते हैं शुगर की बीमारी तो एक्चुअली वो ग्लूकोज है, राइट, आप ग्लूकोज लेके ग्लूकॉन्डी या चीनी लेके आप कहीं ऐसे डालिए तो क्या होगा, थोड़ी देर में चींटियाँ आ जाएंगी ना, राइट। तो ऐसे लोगों के यूरिन से शुगर निकल रहा है, तो यानी कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वहाँ बहुत सारा चीनी वहाँ भी है, तो माइक्रो इन्फेक्शन वहाँ पे सराउंड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जिसे बोल सकते हैं हम, तो क्योंकि उस ट्रैक में इन्फेक्शन जो फूड खाता है, ग्लूकोज खाता है वो भी, तो वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। सो इसलिए यूटीआई होता ही है, राइट।
मेडिसिन देखिए इन्फेक्शन इज दैट इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज. इन्फेक्शियस दो तरह के बीमारी है, लाइफस्टाइल डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज. आपने देखा कि अगर लाइफस्टाइल डिजीज होगा तो इन्फेक्शियस डिजीज अपने आप हो गया, दोनों कनेक्टेड हैं, दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते. एक सिंपल रूल आपको बता देता हूँ तो आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि कोई भी इन्फेक्शन क्यों ना हो वो इन्फेक्शन जिंदा रहती है. मान लो उसको इन्फेक्शन यूटीआई हो गया तो मतलब इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज. एक इन्फेक्शन की जो आयु होती है न्यूली फॉर्म इन्फेक्शन की वो 3 से 4 दिन की होती है. अगले 3 दिन तक अगर उस इन्फेक्शन को फूड ना मिले तो दे विल डाई नेचुरल डेथ. तो फूड नहीं मिलेगा मतलब जो चीज़ पे वो टिके हुए हैं जिंदा हैं वो चीज़ को हमने स्विच ऑफ कर दिया, तभी हम बोलते हैं वो 3-स्टेप फ्लू डाइट. जैसे वो 3-स्टेप फ्लू डाइट तो 3 ही दिन का है ना, बाई 3rd डे इन्फेक्शन को हमने फूड नहीं दिया, हमने बॉडी को फूड दिया, ये सब फूड दिया, फ्रूट जूस, एनिमल फ्रूट जूस और कोकोनट वाटर वगैरह. लेकिन इन्फेक्शन जो है, इन्फेक्शन इज इंटरेस्टेड फॉर दैट ग्लूकोज, इन्फेक्शन इज इंटरेस्टेड फॉर दैट काइंड ऑफ एनिमल प्रोटीन जो हमने दिया ही नहीं उसको. तो द मोमेंट वी स्विच ऑफ दैट फूड इन्फेक्शन गोज अवे. तो कोई भी अगर ऐसा बोलता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है उनको भी आप 3-स्टेप फ्लू डाइट में लगा दो एंड देन यू आस्क 3rd डे कैसी हालत है तो इट इज़ गॉन, जो कि कई महीनों से भी था. ऐसा भी हो सकता है लेकिन तब भी 3 दिन में चला जाएगा, उसकी लाइफ स्पैन ही 3 दिन है. जैसे मान लो मेरी लाइफ स्पैन है कि मैं अगर एक हफ्ता या 10 दिन या 15 दिन नहीं खाऊं तो आई विल डाई, राइट. तो हर एक क्रिएचर की लाइफ स्पैन होती है. तो इन्फेक्शन लाइफ स्पैन 3 दिन की है तो 3 दिन हाँ, तो वो शुगर वहाँ से रिलीज हो रहा है, इट इज़ रिलीजिंग फ्रॉम देयर. बॉडी का तो आउटलेट वही है एक्सेस शुगर को निकालने का. हेलो सर. यस. डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या ये DIP से ठीक हो सकता है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस इट्स DVTs. हाँ, थ्रोम्बोसिस. देखिए इसको समझना होगा सर, आप बोलेंगे समझना होगा. बैठिए प्लीज. वेन्स हो या आर्टरीज हो उसके अंदर कोई भी अगर तरह के ब्लॉकेजेस हैं इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि वो कहाँ पे है, राइट. हाँ. वो उसका अलग अलग नाम दे देंगे आपको, ठीक है ना. तो मान लो वो हार्ट में है तो हार्ट डिजीज बोल देंगे, ठीक है ना. तो उसकी वजह से दैट विल लीड टू एंजाइना एक्सेट्रा. तो वो बॉडी के जिस ऑर्गन में होगा तो वो ऑर्गन सफ़र करेगा बिकॉज दैट ऑर्गन विल गेट ए कॉम्प्रोमाइज सप्लाई ऑफ ब्लड फ्लो. इतना है, राइट. तो आप में से जो लोग ने थोड़ा भी स्टडी किया आपको पता है व्हेन द बॉडीज नाइट्री ऑक्साइड प्रोडक्शन इंक्रीजेस, NO जिसे बोलते हैं, तो जहाँ जहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं, राइट, वहाँ वहाँ से वो हट जाएगा, राइट. वो वेन्स में हो जैसा आप बोल रहे हैं, वो आर्टरीज में हो तो वो हट जाएगा, ठीक है ना. तो आपको सिर्फ बॉडी की नाइट्री ऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ानी है एंड फॉर्चुनेटली दैट इज़ पॉसिबल व्हेन यू टेक फूड इन द सेम स्टेट एज मेड बाय द नेचर, जिसको हम DIP डाइट बोल रहे हैं, राइट. तो इट स्टार्ट्स विद जिस दिन से आप लेंगे उसी दिन से बॉडी का नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, उसी दिन से आराम मिलना शुरू हो जाता है. पहले तो जो माइक्रो इन्फ्लेमेशन होता है पहले उस पर असर होता है, फिर जो बड़े बड़े ब्लॉकेज है उस पर असर होता है, फिर चाहे उसका वो कहीं भी लोकेटेड हो, वो वेन में भी हो सकता है, आर्टरीज में भी हो सकता है, सारी जगह भी हो सकता है, तो अपने आप ही ठीक होता है, राइट. तो इट इज़ नॉट ए न्यू डिजीज़, द ओनली थिंग इज़ द सेम ब्लॉकेज एट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट, इज़ गिवन अ डिफरेंट नेम, राइट. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. तो वो भी ठीक हो सकता है क्योंकि वो अलग बीमारी तो है ही नहीं ना, राइट. आप देखो जैसे मान लो मैं बोलता हूँ गैस्ट्राइटिस, अर्थराइटिस, ओटाइटिस, ये सब अलग अलग बीमारी लग रही है लेकिन आप देख रहे हैं ये नाम तो एक ही है, आइटिस, इन्फ्लेमेशन है, राइट. कहीं किसी भी आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन, तो किसी भी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो तो उसको एक नाम दे देंगे, इन्फ्लेमेशन तो एक नाम दे देंगे लेकिन है तो इन्फ्लेमेशन ना. तो ब्लड जो या आपके आँखों में जा रहा है वही वाला ब्लड तो बॉडी के हाथों में भी जा रहा है, राइट. एंड ब्लड इज़ कैरियर ऑफ द न्यूट्रिएंट. तो नाम के पीछे नहीं पड़ते हम लोग, राइट. जो लोग यहाँ पे मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं उनके लिए हाउ वी हैव टू ट्रीट कि सिम्टम क्या है, राइट. आज दैट एंड व्हेन द सिम्टम गोज राइट द डिजीज गोज, राइट. सो दैट इज़ द इजियर अप्रोच विच इज़ मोर अंडरस्टैंडेबल. लेकिन उसको कॉम्प्लेक्स बनाना तो उसको अलग से नाम दे दो एक. आपको देखो ये ना एलोपैथी ने ये बहुत कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट कर दिया हुआ है. 8,000 बीमारियाँ गिना दी हैं, इसका मतलब 8,000 कारण है, इसका मतलब 8,000 नहीं सोल्यूशन होंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है. एक्चुअली ये सारी टर्मिनोलॉजी जो है ना, हमारे अंदर जो टर्मिनोलॉजी बोरो कर रहे हैं वो मॉडर्न मेडिसिन से कर रहे हैं. तो मॉडर्न मेडिसिन की टर्मिनोलॉजी ही रॉन्ग है, बेसिकली टर्मिनोलॉजी रॉन्ग है, क्योंकि एक एक चीज़ को पकड़ के एक एक चीज़ का वो बीमारी फुल फ्लैश बीमारी बना देते हैं, उसको अलग अलग करके सोचते हैं, जिसको हम रिडक्शनिस्ट अप्रोच बोलते हैं. अगर होलिस्टिक अप्रोच से सोचेंगे तो बॉडी एज ए फंक्शन एज ए होल, बॉडी नॉट ओनली फंक्शन एज ए होल,
बॉडी राइट फ्रॉम बॉडी टू कॉस्मोस फंक्शन एज वन यूनिटी वन यूनिट. तो अब तो वो साइंस प्रूव कर दिया कि होल कॉस्मोस वर्क्स एज वन यूनिट, देन द नेचर वर्क्स एज वन यूनिट, देन आवर बॉडी वर्क्स एज वन यूनिट. तो वो शब्दावली हमको थोड़ी चेंज करनी चाहिए. अगर बॉडी हेल्दी है तो वो सब चीज़ को डील कर लेगी. हेल्थ इज द प्राइमरी थिंग, हेल्थ इज द सेंट्रल थिंग, हेल्थ इज द एक्सेस. अगर हेल्थ एक्सेस है तो डिजीज़ की टर्मिनोलॉजी मैटर नहीं करती. इन अंदर कोई टर्मिनोलॉजी नहीं, टर्मिनोलॉजी सिर्फ बाहर है, वो डॉक्टरों की है. तो ये जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, अब उसका प्रॉब्लम क्या है? एक तो वो वेन तो थ्रोम्बोस हो ही गई, वो हो गई तो हो गई. अब अगर अगर वेन्स का तो अंत नहीं है, बस उसका तो बाईपास वैसे ही बहुत आसान होता है, आर्टरी से भी आसान होता है. वेन्स का तो ऑलरेडी बाईपास बना हुआ है, बॉडी में अल्टरनेट वेन्स फ्लो होता है. तो वो अगर अगर बॉडी हेल्दी है तो वो अपना अल्टरनेट ढूंढ लेगी. वो अगर वेन बंद भी है तो बंद पड़ी रहेगी, उसको पक्का ही बंद कर देगी वो, और उसका बाईपास बना लेगी. पहली बार तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता ही उसी को है जो ग्रॉसली सिक है, ग्रॉसली इल हेल्थ है, यानी कि हेल्दी नहीं है. जो अगर हेल्दी है तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस कभी इस डाइट से कुछ डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, रॉन्ग डाइट से ही होगा. तो ये पूरे का पूरी शब्दावली मुझे लगता है टर्मिनोलॉजी जी है ना, इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस, ये भी बड़ी बोगस टर्मिनोलॉजी है कि इन्फेक्शियस अलग है नॉन इन्फेक्शियस अलग है, ऐसा थोड़ी है. एनी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का अगर मान लीजिए डायबिटीज नॉन इन्फेक्शियस है, लेकिन डायबिटीज वाले को तो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होती है. अब इन्फेक्शियस है नॉन इन्फेक्शियस है, इसी तरह उल्ट वैसे वर्षा. अब जिसको इन्फेक्शन क्रॉनिक चल रही है उसको नॉन इन्फेक्शियस, उसके ऑर्गन भी डैमेज होंगे वो नॉन इन्फेक्शियस है. तो ये शब्दावली कहीं ना कहीं बहुत ही सुपरफिशियल है, बहुत ही सुपरफिशियल है. तो हमको शब्दावली बदलनी है कि बॉडी इज वर्क्स एज होलिस्टिक वन यूनिट, और उस बॉडी का सिंगल जो सेंट्रल पॉइंट है वो हेल्थ है, और हेल्थ के लिए डाइट है. डाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ऑफकोर्स पानी हवा भी इंपॉर्टेंट है, अगर वो ठीक है तो डिजीज कोई मैटर नहीं करती. सर ये अपन डीप डाइट में सर रॉ मटेरियल लेते हैं सर, वो पेस्टिसाइड वाले रॉ मटेरियल अक्सर मिलते हैं सर, ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल नहीं मिलते. और लोगों में भ्रांति है कि रॉ मटेरियल है वो पेस्टिसाइड और खाद का है, केमिकल का, इससे अच्छा ये हीट करके लेने से ठीक रहेगा, इस तरह से ये ऐसा ही क्यों ले रहे हैं. दूसरी बात सर, दूसरा प्रश्न इसी में ये था सर कि क्रेटेनाइन पालक और भथुआ भाजी में ज़्यादा होता है जो अपन लेते हैं, तो क्या ये सही बात है कि नहीं, थोड़ा जानकारी ले. क्रेटेनाइन किसमें ज़्यादा होता है? क्रेटेनाइन पालक में. अच्छा. और भथुआ भाजी में, तो इसके बारे में थोड़ा जानना था. यूरिया यूरिया और यूरिया सर, तो ये इसमें चलो मेरा क्रेटेन मेरे ऊपर था 1.64 था, बॉर्डर में है, तो इसलिए मैं अपने लिए भी पूछ रहा था, लोगों को भी बताने के लिए. यूरिया भी ज़्यादा हो गया था, तो ये दो क्वेश्चन अलग अलग हो गए ना, क्रिएटिनिन और यूरिया वाला क्वेश्चन अलग है. पहला क्वेश्चन क्या था आपका? पहला क्वेश्चन ये सर कि जो अपन रॉ मटेरियल है सर. तो दोनों बड़े वंडरफुल क्वेश्चंस हैं. देखो पेस्टिसाइड का जहाँ तक फंडा है, पेस्टिसाइड तो अभी इतने एक्सटेंसिवली यूज हो रहे हैं कि वो सब्जियों में भी है, फलों में भी है, अनाज में भी है, और एनिमल फूड में भी है. एनिमल फूड में उल्टा मैग्नीफाइड है. जो चीज प्लांट में वन यूनिट है वो एनिमल फूड में जाके 100 यूनिट हो जाएगी. तो इसका मतलब पेस्टिसाइड वाली खेती में बना हुआ नॉन प्लांट फूड एनिमल फूड वो मच मोर डेंजरस है एज़ कम्पेयर टू प्लांट फूड. और प्लांट फूड के मुकाबले में ये जो DAP वैरायटी वाला फूड है, इसमें पेस्टिसाइड होगा भी, तो इसमें पेस्टिसाइड को निकालने की क्षमता भी ज़्यादा है. इसमें अंदर क्षमता है कि ये ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, किडनीज को स्ट्रॉन्ग करता है, स्किन को स्ट्रॉन्ग करता है. क्योंकि बॉडी के अंदर टॉक्सिन वो हार्मफुल होता है जो क्यूमुलेट होता है. टॉक्सिन तो बॉडी में जाते हैं, हवा में भी जाएंगे, पानी में भी जाएंगे, फूड में भी जा रहे हैं, लेकिन अगर बॉडी में क्षमता उसको निकालने की, और साथ ही साथ मान लीजिए मैंने 10 यूनिट कोई चीज़ खाई, टॉक्सिन खाया, और 10 के 10 यूनिट मेरी बॉडी ने 24 घंटे में निकाल दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. कौन सा टॉक्सिन हार्मफुल होगा? जो 10 यूनिट मैंने खाया, 5 यूनिट मेरे लिवर और किडनी और स्किन मिला करके निकाल सके, 5 यूनिट अंदर रह गया. अगले दिन मैंने फिर खाया 10 यूनिट, फिर वो 5 यूनिट और तक अंदर रह गया, तो वो दैट 5 यूनिट बिकम्स 100 यूनिट्स धीरे धीरे धीरे. तो कम परसिस्टेंट और पॉल्यूटेंट्स इसको बोलते हैं. परसिस्टेंट वो अंदर परसिस्ट कर रहे हैं, क्यूमुलेट हो रहे हैं, वो नुकसान करेंगे. तो इस फूड में जहाँ पे पेस्टिसाइड का रिस्क उतना ही है बाकी फूड के मुकाबले में, इनमें कोई ज़्यादा नहीं है. जितना इसमें पेस्टिसाइड है उतना ग्रेन्स में भी होगा, उतना दूध में भी होगा, हर चीज़ में होगा. वो जहाँ पे खेती हो रही है
वहाँ पे जो भी चीज़ पैदा होगी उसमें पेस्टिसाइड होगा। हम बढ़िया बात है ऑर्गेनिक हम लोग करें, ऑर्गेनिक की मूवमेंट को में हम पार्टिसिपेट करें, वंडरफुल है। मैं मेरा सफ़र शुरू वहीं से हुआ था, हम लोग खेती विरासत मिशन में काम करते हैं, पिछले 15 साल से ऑर्गेनिक फार्मिंग करवाते हैं हम लोग। हमारे पास 2000 किसानों के किसान हैं हमारे साथ, जो जो साइंटिस्ट जिसको हम बोलते हैं साइंटिस्ट फार्मर्स, जिन्होंने अपने बलबूते पे अपने फार्म्स को कामयाब किया है। वो 1 एकड़ से लेकर 150 एकड़ तक का फार्म हमारे पास है जो टोटली टॉक्सिन फ्री है। तो ये पूरे का पूरा फंडा कहीं ना कहीं हमको समझना है कि हमको उस मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट करना है जो टॉक्सिन फ्री करने वाली मूवमेंट है, लेकिन डाइट यही बेस्ट है क्योंकि इसमें टॉक्सिन है तो टॉक्सिन निकालने वाली क्षमता भी ज़्यादा है, तो इसलिए ये वंडरफुल है। जहाँ तक क्रिएटिनिन और यूरिया का सवाल है, क्रिएटिनिन और यूरिया की आज तक किसी को समझ नहीं आई कि क्यों बढ़ते हैं। 2 कारण हो सकते हैं इसके, एक तो आप डाइट ज़्यादा खा रहे हो जिसमें क्रिएटिनिन और यूरिया प्रोड्यूस करने की क्षमता ज़्यादा है, दूसरी बात है कि आपकी किडनी कंप्रोमाइज्ड है कि उसने निकालना था लेकिन वो पूरा निकाल नहीं पा रही, इसलिए वो कुमुलेट हो रहे हैं। मेडिकल साइंस अभी धीरे धीरे ये यहाँ पे आ रही है कि आपकी ज़्यादा वो किडनी कंप्रोमाइज्ड है आपकी बिकॉज ऑफ द वेरियस रीजंस, रॉन्ग फूड है आपका, रॉन्ग लाइफस्टाइल है, पेस्टिसाइड टॉक्सिन ज़्यादा है आपकी किडनी को डैमेज कर रहे हैं। तो वो राइजिंग क्रिएटिनिन राइजिंग यूरिक एसिड इज ए एंड राइजिंग यूरिया, सबसे पहले यूरिक एसिड राइज करता है। पंजाब में यूरिक एसिड इतना ज़्यादा है कि एवरी थर्ड पर्सन इज हैविंग हाई यूरिक एसिड, तो वो यूरिक एसिड क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल होता है निकालना किडनी के लिए एज कम्पेयर टू यूरिया एंड क्रिएटिनिन, तो वो पहले बढ़ता है। तो दैट इज़ अर्ली साइन ऑफ किडनी डैमेज, ये आपकी किडनी कंप्रोमाइज हो रही है। पहले यूरिक एसिड बढ़ेगा, धीरे धीरे आपका किडनी। वो डाइट का कितना रिलेशनशिप है इसका अभी कभी मेरे मुझे नहीं लगता साइंटिस्टों को भी पता है, और वो प्लांट डाइट से क्यों बढ़ेगा क्रिएटिनिन यूरिया नहीं बढ़ेगा। बेसिकली दे आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन डाइजेशन, प्रोटीन जब हजम होते हैं उसका बाई प्रोडक्ट है, उसका वेस्ट प्रोडक्ट है प्रोटीन्स का। तो कौन से पत्तों में प्लांट उसमें है, तो मुझे नहीं लगता। ये पोटाशियम वाला फंडा डॉक्टर साहब बहुत बार क्लियर कर चुके हैं, जो किडनी वालों को कहते हैं हाई पोटाशियम फूड मत खाओ, हमने तो देखा कोई पोटाशियम नहीं बढ़ता इनसे। कितने लोगों को हमने कहा कि भाई उनकी डाइट मत मानो, आप फल खाओ तभी किडनी रीजनरेट करेगी, अब नहीं खाओगे तो कैसे करेगी, तो बिल्कुल नहीं पोटाशियम बढ़ता। तो ये कुछ नॉर्म्स जो कुछ मेडिकल प्रोफेशन ने ऐसे बिना मतलब के किडनी वाले को सलाद भी बंद फ्रूट भी बंद सब हर चीज़ बंद कर देते हैं, पक्का ही वो नहीं भी उसकी किडनी रीजनरेट करने की कोई पॉसिबिलिटी छोड़ते ही नहीं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमको वो सारी की सारी जो उनकी जो नॉर्म्स एंड डाइट के बारे में ना उनको पता ना वो पढ़ते हैं, और ऐसे ही जो मर्जी बोल दिया उसको हाई पोटाशियम देख के भी हाई पोटाशियम नहीं खानी। तो ये मुझे लगता है इनकी डाइट वाइट की रिकमेंडेशन, जितना मर्जी बड़े से बड़ा डॉक्टर उसकी डाइट की रिकमेंडेशन नहीं माननी चाहिए, अपना इंडिपेंडेंटली एक्सपेरिमेंट करके देख लो। और मैंने बहुत बार पेशेंट्स को कहा कि आप हाई खा के देखो फल फिर बताना, पर किसी मैंने तो मेरे पास तो कोई पेशेंट नहीं आया जिसने कहा कि मेरा पोटाशियम बढ़ गया खाने से। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ को थोड़ा अवेयर रहना चाहिए। ये जो बोलते रहते हैं पालक पथरी बनाती है, टमाटर पथरी बनाता है, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से आती हैं। और तो इसका मतलब ये हुआ सर कि किडनी का खराबी है, अपन जो डीप डाइट का रॉ मटेरियल ले रहे हैं वो सही है, रॉ मटेरियल के फलस्वरूप कॉम्प्लिकेशन नहीं आए हैं, तो उसका मतलब अपन को उसको ठीक करने के लिए क्या डीप डाइट रेगुलर यूज करने से ठीक हो जाएगा? बिल्कुल देनी चाहिए डीप डाइट, उनको थोड़ा सा अलर्ट कर दो कि आप पोटेशियम लेवल कराते रहो ज़्यादा, 1 महीना करवाओ आप, 1 महीने के बाद आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि पोटेशियम लेवल तो नहीं बढ़ रहा, मैं तो फ्रूट खा रहा हूँ सलाद खा रहा हूँ। और बहुत बार पाओगे आप पेशेंट खुद ही वायलेट कर रहा था, उसको जचती ही नहीं बात, वो कहता है ये अच्छे डॉक्टर हैं फ्रूट और सलाद भी बंद कर दिया मेरा, तो वो खा रहे होते हैं। मैंने बहुत बार पेशेंट्स को पूछा कि आप मान रहे हो उनकी डाइट, कहता है नहीं पूरी तरह से तो नहीं मान रहे, खा रहे हैं बीच बीच में उसका, वो खुद ही उनका इनर वॉइस ही उनकी बता देती है उनको कि ये जो डॉक्टर का बोल रहा है झूठ बोल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि हमको किडनी पेशेंट्स को भी ये DIP डाइट मना करनी चाहिए, हमको खिलानी चाहिए उनको डाइट, लेकिन थोड़ा सा उनको बोला कि 1 महीने के लिए आप पोटाशियम लेवल चेक कराते रहो, पोटाशियम का रिस्क है ना, तो नहीं बढ़ता वो पोटाशियम। डॉक्टर साहब का भी यही एक्सपीरियंस है, आप इस बुक में बहुत सारे आप किडनी पेशेंट्स का एग्जांपल देखेंगे और दे हैव बीन ऑन दिस डाइट इंक्लूडिंग टमाटर, और वही चीज़ मैं तो यही बोलता हूँ इसका कि आप जो भी डॉक्टर पास जाना चाहते हो वहाँ जाओ और उनसे पूछो सर क्या क्या नहीं करना है,
वो बोलेगा कि ये अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो फ्रूट्स नहीं खाना, मीठे फल नहीं खाना, वो लिख के ले आओ। और अगर किडनी पेशेंट है तो पालक नहीं लेना, टमाटर नहीं लेना, नारियल पानी, एक लिस्ट देंगे, बस वही खाना शुरू कर दो आप। थैंक यू सर। आप ठीक होने लगोगे। थैंक यू सर। जी जी एक प्रश्न मेरा है कि कुछ लोग भी मुझसे भी जानना चाह रहे थे, मेरे मन में भी था कि जो स्त्रियों को अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है वो उस प्रेगनेंसी को यदि नहीं चाहते हैं तो उन्हें तो या तो प्रिल्स लेनी पड़ती हैं या ऑपरेशन कराना पड़ता है, क्या इसका भी कोई अल्टरनेटिव प्राकृतिक तरीका है? मेरे नॉलेज में नहीं है अभी तक तो। नहीं नहीं, होम्योपैथिक में और आयुर्वेदिक में आंसर्स हैं इसके। प्रेगनेंसी जब टर्मिनेट हो जाती है और वो हेल्थ वही टर्मिनेट हो जाती है तो उसका टर्मिनेट करने का तरीका होता है विच इज़ नॉट वेरी हार्मफुल एज सर्टन एलोपैथिक मेडिकेशंस आर। देर आर ऑल्टरनेटिव्स। सिंगल डोज राइट होम्योपैथिक की सिंगल टर्मिनेट हो जाती है एक ही डोज से। नहीं ऐसे नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन सर्टन। होम्योपैथिक में कभी भी होम्योपैथिक में किसी भी एक एक नहीं हुआ करती है दवा। अस्थमा की होम्योपैथिक में 500 दवाइयां हैं, वो अस्थमा के पेशेंट्स की मोडालिटीज पे डिपेंड करता है। आयुर्वेद में भी ऐसे है, त्रिदोष में, इसीलिए वो नब्ज देखकर चेक करते हैं ध्यान से। यूनिवर्सल एक मेडिसिन नहीं, कभी वो गलत है, दैट इज नॉट द राइट होम्योपैथिक। तो 11 mm का था वो, मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि प्रॉब्लम कुछ नहीं हो रही थी। अब इस साल फिर ये जनवरी में कराया तो 12.4 हो गई है। तो सर मुझे प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है अभी भी, लेकिन डॉक्टर स्वेलिंग बता रहे हैं और ऑपरेशन के लिए ही बोलते हैं। तो सर क्या ये DIP डाइट से ठीक हो जाएगा और मुझे कितने टाइम तक लेना पड़ेगा ये? देखिए इसमें पहली बात तो आप को कोई दिक्कत ही नहीं, तो आप चेक तो नहीं करो। सर कोई दिक्कत नहीं, वो ऑफिशियल मेडिकल चेकअप होता है सर उसके थ्रू। मैंने बता दिया, जनरल चेकअप जो लोग कराते वही परेशान रहते हैं। अभी अगर मैं ही चेकअप कराऊँ तो हो सकता है मेरे ही 2-4 स्टोन निकले, ठीक है ना। तो जिस तरह से पिंपल आते जाते हैं, मैं तो ये देखता हूँ पिंपल आते जाते हैं, तो उस तरह से बॉडी में भी बहुत सारे इसे बोलते हैं मेडिकल भाषा में इंसिडेंटियोटोलोमास, दिस द टर्म, कि कुछ और देखने आए तो बाई चांस कुछ और मिल गया, कोई ट्यूमर मिल गया, कोई पॉलिप दिख गया, और सारा कॉन्सेंट्रेशन यहीं पे कि इसी की वजह से भविष्य में टाइम बॉम्ब की तरह फट सकता है। लेकिन होता यह है कि बॉडी में बनता है और पिंपल जैसे बनता है एक लेवल पे फिर अपने आप जाता ही जाता है विदाउट योर इंटरफेयरिंग विद इट। रादर आप इंटरफेयर करेंगे तो शायद नहीं जाएगा वो, है ना। तो अब 12.5 जो हो गया है, आपको लगता है कि कोई एक्यूरेट बहुत ही वो मिलीमीटर का फिजिक्स का कोई गैजेट से वो नाप रहे हैं, राइट? वो आंखों से देखते हैं, उनको जो मन करता है बता देते हैं वो, ठीक है ना। उसी को अगर बोले दोबारा देख के बताओ तो वो 12 का कुछ भी बता सकते हैं। तो डोंट डिपेंड ऑन देम, और इस तरह की चीज़ें होती हैं। प्लस अगर इसको कम करना ही है तो उसके लिए हमने देखा अपने पेशेंट्स में कि द मोमेंट दे आर ऑन दिस डाइट, एक तो पेन इंटेंसिटी कम होने लगती है, आपको तो पेन है ही नहीं, ठीक है ना। तो बात ही खत्म है यहीं पे। फिर भी आप टू बी ऑन ए सेफर साइड इस तरह के डाइट में रहो, ठीक है ना। जैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं इस डाइट में हूँ, शायद इसीलिए दिक्कत नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो और अगर मान लो किसी को दिक्कत है, 11 mm में पेन होता भी है बहुत लोगों को, और बहुत भयंकर पेन भी होता है, ऐसा भी होता है, डिपेंड्स ऑन कि वो कहाँ पे है। तो उन पेशेंट को हम स्ट्रिक्टली बोलते हैं DIP डाइट माइनस प्लेट टू इन लंच, राइट। और साथ में हम बोलते हैं कुल्थी का दाल, लास्ट टाइम मैंने बताया था अपने पिछले लेक्चर में, हाँ, कुल्थी का दाल का पानी, हाँ, कुल्थी का दाल का पानी 100 ग्राम आप ले लो और 2 ग्लास पानी में उबालो, और उबालने के तब तक उबालो जब तक वो 1 ग्लास में कन्वर्ट ना हो जाता पानी। फिर उसको छान लो उस पानी को, सुबह आधा ग्लास शाम को पी लो, यू कैन कैरी ऑन फॉर फ्यू मंथ्स, राइट। तो दिस इज़ हाउ हमारे तो पेशेंट ठीक होते हैं, और ये साइंटिफिकली वैलिडेटेड भी है। ये कर लो आप अगर इसमें आपको थोड़ा लगता है, और हाँ ऐसे निकलती है, ऐसे निकलती है और ज़रूर निकलती है, हर बार निकलती है। अच्छा इसके साथ ही हम इसको कंक्लूड करते हैं वहाँ पथरी के ऊपर। एक मिनट मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट। ऐसा है, मेरी वाइफ को पिछले 30 साल से गॉल ब्लैडर की पथरियाँ हैं, 30 साल से, और भरी हुई है उसकी, और कभी 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 खाली हो जाती है फिर दोबारा आ जाती है। बिकॉज जो आपका बेसिक बाइल जब बनता है, अगर उसकी फॉर्मेशन में कोई कमी हो तब पथरी बनती है उसकी, जो है ना, उसका एक
उसकी फॉर्मेशन ऐसी हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन दी यू नो अदर कंडीशंस. मैं आपको बेसिकली ये बताना चाह रहा हूँ और इमीजिएटली ये एडवाइस करते हैं कि गॉलस्टोन में, क्योंकि आगे जो उसके जो सीबीटी डक्ट होती है वो 4 mm की होती है, वो कहते हैं उसमें अगर फंस गई तो फट जाएगी एंड इट इज़ अ क्रिटिकल सिचुएशन. सो द डॉक्टर्स जनरली से कि आप गॉल ब्लैडर निकलवा दीजिए. मैंने नहीं निकलवाया पिछले 30 साल से अपनी वाइफ का, एंड दिस इज डिस्पाइट द पेनफुल एपिसोड्स, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, जहाँ पेनफुल एपिसोड्स नहीं है. क्योंकि पता क्या होता है, जब एक बार आप गॉल ब्लैडर निकलवा देंगे तो लीकिंग टैंक की तरह हो जाता है, क्योंकि आपका बाइल ही आपके फैट को पचाता है. जब आप फैट खाते हैं, और फैट इज़ नेसेसरी फॉर द बॉडी, तो एकदम वो जिसके अंदर वो बैग की तरह होता है, वो एकदम यूं करके वो सारा बाइल निकाल के पचा देता है. बॉडी को इंटेलिजेंस होती है कि मैंने फैट खाया है, इंटेस्टाइन में जाते ही पता लग जाता है गॉल ब्लैडर को, और वो निकाल देता है, राइट? तो लेकिन जब आप उसको निकलवा देते हैं तो लिवर तो बनाता रहता है बाइल, लेकिन वो टैंक की तरह लीक करता रहता है, टप 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 टप. फिर जब आप 1 चम्मच भी 2 चम्मच भी खाते हैं तो हमेशा के लिए इनडाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है 80% पेशेंट्स में. तो इट इज़ नॉट एडविजिबल. देर आर क्योर्स, होम्योपैथिक में क्योर्स हैं, आयुर्वेदिक में क्योर्स हैं, देर नंबर ऑफ क्योर्स डिपेंडिंग अपॉन यू नो स्पेसिफिक फॉर बोथ गॉल स्टोन्स एंड किडनी स्टोन्स. होम्योपैथिक में बहुत ही किडनी स्टोन्स तो बहुत ईजी है टैकल करना होम्योपैथी में, गॉल स्टोन थोड़ा मुश्किल है. सर जस्ट सर यस सर यस लास्ट मैं पंजाब तो पोस्टिंग हो गया, दिल्ली आ गया इस चक्कर 2006 तो डायलिसिस स्टार्ट होया सी और 2008 ਉਹਦੀ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਹਾਈ ਐਂਟੀਬਾਇਟਿਕ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਇਲਿਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋ ਗਿਆ. ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਲਸੈਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਨਗ੍ਰਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਈਸੁਲੋਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਿਲਟਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ. ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮੈਡੀਸਨ ਉਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਖੜੀ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੋਰਸ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਰੂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਨਾ ਕਰ ਦੇ ਉਹਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਹਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਕੰਮ ਉਹਦਾ? 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ? ਇਸਮੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਇਸਮੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਡੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਤੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਸਾਈਡਿਡ ਵਿਦਿਨ ਦ ਫਸਟ ਫਿਊ ਮੰਥਸ. ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋ ਫਿਰ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਬਣ ਜਾਤੇ ਹੈ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲ ਬਣ ਗਿਆ ਤੋ ਦੈਟ ਬਿਕਮਸ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਬਾਡੀ, ਉਹ ਬਾਡੀ ਕਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਥਿੰਗ. ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਦ ਮੂਮੈਂਟ ਯੂ ਆਰ ਔਨ ਦਿਸ ਡਾਇਟ, ਇਹ ਡਾਇਟ ਕਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲ ਕੋ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੋ ਜਿਤਨਾ ਮੈਨੇ ਦੇਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਹੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਿੰਗ ਡਿਸਾਈਡਿਡ. ਐਂਡ ਵੰਸ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋਣੇ ਕਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਵੰਸ ਦ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲ ਜਿਸ ਸੇ ਬਲੱਡ ਵਾਂ ਫਲੋ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ, ਤੋ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲ ਜਬ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਗਿਆ ਤੋ ਦੈਟ ਬਿਕਮਸ ਵਨ ਔਰਗਨ, ਵਨ ਬਾਡੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਸੈਪਰੇਟ ਥਿੰਗ, ਰਾਈਟ? ਸ਼ੁਰੂ ਮੈਂ ਸੈਪਰੇਟ ਰਹਾ ਹੋਗਾ, ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਤਬ ਰਹਾ ਹੋਗਾ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾ ਸਪਰੈਸ ਕਰਨਾ ਤਬ ਰਹਾ ਹੋਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਬ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਗਨ ਹੈ, ਅਬ ਹਮਾਰਾ ਇਹ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹਮਾਰੀ ਬਾਡੀ ਕੀ ਕਿ ਹਰ ਔਰਗਨ ਕਾ ਸਾਥ ਮੇਂ ਇਸ ਔਰਗਨ ਕਾ ਵੀ ਹੈਲਥ ਕੋ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਔਰ ਹਰ ਔਰਗਨ ਕੇ ਲੀਏ
जो चीज़ जो खुराक है इस ऑर्गन के लिए भी, जो कि डोनेटेड किडनी है उसके लिए भी खुराक सेम ही है। तो इसमें होना यही चाहिए कि यू शुड स्टार्ट विद दीज थिंग्स विदाउट फियरिंग कि इम्यूनिटी अगर ज़्यादा होगा तो वो ये वाला एक प्रॉब्लम आ जाएगा, कन्फ्यूजन आ जाएगा, ये आना होता है या नहीं होता है, रिजेक्शन एक्सेप्टेंस जिसके लिए कई सारे पैरामीटर हैं वो पहले में ही हो जाएगा। अब तक भी है, सब कुछ सही है, इसका मतलब बॉडी ने ब्लड वेसल बना लिया है, बना लिया तो नाउ इट इज़ नॉट ए न्यू ऑर्गन, इट बॉडी हैज़ एक्सेप्टेड इट एज वन। तो ये सोच के एंड टू बी ऑन ए सेफर साइड, अगर फिर भी लगता है, मुझे तो नहीं लगता लेकिन आपको लगता है, तो कई पेशेंट को मैं बोलता हूँ यू स्टार्ट विद लेस, कि चलो भाई पहले फ्रूट्स की क्वांटिटी इतनी दी एंड देन वी आर ट्राइंग टू मॉनिटर किस तरह से होता है, फर्स्ट कि ब्लड प्रेशर उसका धीरे धीरे कम हो रहा है क्या, पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम होने का मतलब किडनी की फंक्शनिंग अच्छी हो रही है। तो ये एक क्लियर कट एविडेंस है जो दिनों में पता चल जाएगा, दो चार दिन के अंदर ही पता चल जाएगा, हफ्ते में पता चल जाएगा, तो दैट इज़ द फर्स्ट इंडिकेशन। तो अगर वो इंडिकेशन हमारे हिसाब से है, पॉजिटिव है, तो वी आर इनकरेजिंग, अगर वो उतने हिसाब से नहीं है तो हम उसके क्वांटिटी को बहुत ही कॉशियसली लेके चलें। इस तरह से आपको करके देखना पड़ेगा, जिस तरह से हमने अभी देखा कि हर बीमारी में, चाहे वो सिंपल से सिंपल डायबिटीज़ में भी हमने देखा कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्या असर करते हैं, उसके बारे में जो अंडरस्टैंडिंग थी डॉक्टरों की या है वो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी तो है, राइट। जिस तरह से डायबिटीज़ में कॉन्ट्रडिक्टरी अंडरस्टैंडिंग है मेन स्ट्रीम के डॉक्टरों को, जिस तरह से किडनी में कॉन्ट्रडिक्टरी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक उसी तरह से इसमें भी। लेकिन इसमें क्या है कि वी हैव वेरी फ्यू पेशेंट टू सी एंड रिपोर्ट, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट के बहुत ही थोड़े लोग, राइट। तो हमने जिनको डाइट दिया है जो ऑलरेडी इस तरह के है, उनको मैं एक बार और क्रॉस चेक करके, क्योंकि उनको हम फॉलोअप करते हैं एक साल बाद अचानक, जिस फॉलोअप करके मैं बुक में डाला है, लेकिन ये वाला पेशेंट उन्होंने डाला नहीं है। तो हमारे पास जो हिस्ट्री में ऐसे पेशेंट हैं, दोज हु आर ऑलरेडी फॉलोइंग डीआईपी डाइट, एक साल हो गया, दो साल हो गया, अब क्या हुआ, एक बार मुझे बैक जाके उनसे पूछना पड़ेगा, तो वो और कंफर्मेटरी हो जाएगा। तो लेकिन नटशेल में मतलब होना ये चाहिए कि सिंस द बॉडी सपोर्टिंग द ऑर्गन, ऑर्गन इज सपोर्टिंग द बॉडी, लेट्स बिलीव इट इज़ अ वन बॉडी। इफ़ इट इज़ अ वन बॉडी देन वो सारी मेडिसिन है, क्योंकि वो सारी मेडिसिन जाहिर सी बात है आपके बॉडी के सारे ऑर्गन को हार्म कर रही है, क्योंकि जब भी कोई मेडिसिन लेते हैं वो सिर्फ एक ऑर्गन के लिए नहीं होती, इट गोज़ टू द ऑल द ब्लड, ऑल द ऑर्गन, राइट। तो जो अब एक ऑर्गन जो बाकी ऑर्गन को सपोर्ट नहीं कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है, तो जाहिर सी बात है दैट इज़ नॉट फॉर यू। तो हमें ट्रांजिट करना है, जिस तरह से डायबिटीज़ के पेशेंट ट्रांजिट करते हैं इंसुलिन से, धीरे धीरे इंसुलिन को कम करते जाते हैं, कम करते जाते हैं, एक दिन आता है जब वो ख़त्म कर देते हैं, करते ही है ना। डायलिसिस के जो पेशेंट हैं, पहले तो ये लगता था डायलिसिस कभी ख़त्म ही नहीं होती, ऐसी तो था, लेकिन हमारे कितने पेशेंट इस बुक में हैं डायलिसिस में, धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी कम हुई, एक दिन आया कि अब डायलिसिस करने दोबारा गया ही नहीं, होता ही है। ठीक उसी तरह से दिस कैन बी विद मॉनिटरिंग बी रिड्यूस टेपर डाउन टू जीरो एंड द बॉडी कैन फंक्शन ऑन इट्स ओन, ये जरूर हो सकता है। लेकिन इसमें पास्ट के जो रिजल्ट हैं उससे ये पता चल जाएगा कि कितना टाइम लगेगा, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, किन बातों का प्रिकॉशन रखना है, वो सारी बातें हैं जो भी हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा आपको, देखिए ऑलमोस्ट इन एवरी पॉसिबल डिजीज इट इज possible to be free of medicine, all kinds of medicine, this includes allopathic medicine, इसके अंदर homeopathic भी आती है, आयुर्वेदिक भी आती है। लेकिन जो मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ, ये बड़ी ध्यान से बात बता रहा हूँ मैं आपको, कि जैसे आपकी बिटिया की किडनी गई, वो किडनी आइसोलेशन में नहीं चली जा सकती कभी भी, उसमें कोई जेनेटिक कोई प्रीडिस्पोजिशन है, प्रीडिस्पोजिशन में एक टेंडेंसी है डिजीज की जो सारे शरीर में फैली हुई है, किडनी में एक्सप्रेस हुई, वो अभी भी आपने किडनी ट्रांसप्लांट करके उस डैमेज के एरिया को कंट्रोल करके उसको कुछ और लाइफ दे दी, लेकिन वो जेनेटिक रिवर्सल नहीं हुई है अभी। जेनेटिक रिवर्सल एक रेगुलरिटी और एक डायनेमिक फैक्टर है जो जीन्स को हर समय इन्फ्लुएंस करता है, जीन्स एक लगातार काम करते हैं, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन का बहुत भारी योगदान हो सकता है यदि वो राइट हो। आपने कहा होम्योपैथिक आयुर्वेदिक आपने ट्राई की, वो नहीं काम किया, यदि होम्योपैथिक आयुर्वेदिक राइट नहीं होगी तो काम नहीं करेगी, नुकसान करेगी बल्कि। तो आप कृपा करके ये बात स्पष्ट रूप से समझ लें कि शरीर के लिए ये हमेशा संभव है कि वो कंप्लीटली फ्री हो जाए मेडिसिन से। जो राइट होम्योपैथिक डॉक्टर है, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, वो मिनिमम प्रेस्क्राइबर है। हमारे होम्योपैथिक में जो सही डॉक्टर हैं, जो दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स हैं, जो ब्रेन एट्रॉफी को भी ठीक कर दिया, इन्फेंटाइल ब्रेन एट्रॉफी को भी जिसने ठीक कर दिया, ऐसे ऐसे डॉक्टर्स क्लासिक जो वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड डॉक्टर्स हैं,
जॉर्ज वितुलकस जैसे, उन लोगों ने भी सिंगल मेडिसिन का एक टाइम प्रयोग किया, मतलब मिनिमम मेडिसिन का प्रयोग किया। तो मेरा मैं ये जानना चाहना कि हुन दवाई दी बंद कर दिए सीधी जी गल ना करिए ना जी ना सीधी ना ना सीधी गल नहीं होती कदे भी। हाँ हाँ गल सीधी नहीं होती। मेरी गल सुनो ना तुसी। हाँ जी हाँ जी गल एक कॉम्प्लिकेटेड है तदे ते गल करन दी जरूरत है। नहीं होए ते फिर की है। नहीं इन्होंने बिल्कुल ठीक आंसर दिया। प्लीज एक मिनट मेरी बात सुनो आप। यस इट हैज टू बी ग्रेजुअल। यू हैव टू यूज योर इंटेलिजेंस। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो आप एक मिनट में तो नहीं बटाला पहुंच जाएंगे ना कि मैं तैयार कटी सीधी चली थी मैं बटाला पहुंच गया। तो कदे रस्ते च टांगा आएगा, कदे गधा आएगा, कदे ट्रक आएगा दूजा, तो तुहानू गड्डी एडजस्ट करनी पाएगी ना। इसी तरह से आपको जैसे ये इन्होंने 5 तरीके बताए, मिलेट्स बताए इन्होंने, एक आपको ये बताया, मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि होम्योपैथिक में पॉसिबल है कि आपकी जो जो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वो ऑलरेडी एडजस्ट कर सकती है, लेकिन मैं एक आपको नेक्स्ट लेवल का आंसर दे रहा हूँ कि यदि आप जेनेटिक लेवल पर उसको सही मेडिसिन होम्योपैथिक की या आयुर्वेदिक की देंगे तो वो फ्री हो सकती है कम्प्लीटली। डॉक्टर साहब माफ़ करना। यस के होम्योपैथिक दी मेडिसिन तो उन्होंने ऑलरेडी पहले तो ही लुधियाना का जरा होम्योपैथिक कॉलेज है प्रोफेसर तो ऐसे करवाते रहे 40 साल हो गए। एक मिनट होम्योपैथी के बारे में बुरा नहीं मानना। सॉरी नहीं बुरा नहीं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। होम्योपैथी का इतना बड़ा फेलियर का कारण क्या है? क्योंकि होम्योपैथी इतनी कठिन है कि 95% इंक्लूडिंग मी 95% ऑफ द डॉक्टर्स मोर देन 90 बल्कि 8% ऑफ द डॉक्टर्स डू नॉट डू राइट होम्योपैथी। इट नीड्स इसराइल में यदि आप MD एलोपैथिक में नहीं हो तो आप होम्योपैथिक प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हिंदुस्तान जैसे देश में जहाँ 118 कॉलेजेस हैं, जितने निकम्मे हैं, जितने 50% से 60% वाले हैं, सारे होम्योपैथिक में जाते हैं जी। पहले ही कैलिबर लो होता है, ऊपर से आप मेरे प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इशू। लेकिन यदि राइट होम्योपैथिक हो तो इट कैन क्रिएट मिरेकल्स। ठीक है। आपकी बच्ची 3 महीने में जो 20 साल से दवाई ले रही है 3 महीने में कंप्लीटली फ्री हो सकती है, वीनिंग हो सकती है। और एंड इट हैज टू बी कॉम्प्लीमेंटेड। एक तरफ तो आप बच्ची को दवाई होम्योपैथिक देने लग जाओ, दूसरी तरफ से उसको आपके लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट करने लग जाओ, घर में झगड़ा करने लग जाओ उससे, या उसकी फ्रीडम के ऊपर गलत तरह से अंकुश लगाने लग जाओ, वो सप्रेस महसूस करे, तो आपकी दवाई काम ही नहीं करेगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइफ इज नॉट। अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि 5 तरीके हैं जिससे हेल्थ को सुधारा जा सकता है। हेल्थ कभी भी सिंगुलर फैक्टर नहीं है, ये 10 उंगलियों की तरह है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप समझे मेरा पॉइंट? डॉक्टर विश्वरूप की जो डाइट है वो तो हमारे घर के अंदर अच्छी तरह से ग्राउट हो चुकी है, उसमें कोई शक नहीं है। हाँ लेकिन लेकिन कारण ये है कि 20 साल सफ़र किया इस बीमारी से, तो एक डर बैठा रहता है उसके मन में कि मैं दवाई छोड़ती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। लेकिन जो डॉक्टर साहब ने बताई मैं समझ गया हूँ कि हमें देखना पड़ेगा कि उसको थोड़ी थोड़ी ये दे के और एक्सपेरिमेंट करते हुए टेपर करते हुए हाँ जैसे हम करते हैं शुगर की मेडिसिन को भी करते हैं, तो वो मैं समझ गया हूँ अच्छी तरह से। तो कोशिश करूंगा मैं दोबारा से, पर मैं डॉक्टर आजाद जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ बोलना चाहेंगे इस पे कि नहीं। मिलेट्स ऐड कर लो ना। हाँ वही मैं चाह रहा था कि वो जो हेल्दी डाइट तो करो ही करो ना, दवाई बंद करनी नहीं करनी वो अलग बात है जी, लेकिन डाइट तो फुल्ली हेल्दी करो ना जी जी। उसमें कुछ काढ़े हैं, कुछ कषाय हैं किडनी वाले कषाय, स्पेसिफिकली मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो ऐड करो। नंबर 2 पे मिलेट्स ऐड करो। नंबर 3 पे योगा करवाओ। ठीक है। प्राणायाम पर्टिकुलरली प्राणायाम वंडरफुल है, प्राणायाम का प्राणायाम और मेडिटेशन। सर एक क्वेश्चन आपसे ये था कि जो मिलेट्स हैं ये क्या पर्टिकुलर किसी डिजीज के लिए अलग अलग हैं कैसे, कि अगर शुगर है तो ये और हार्ट डिजीज है तो ये मिलेट्स, कुछ ऐसा है क्या? नहीं, वो जो जैसे डॉक्टर खादर वली ने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सारी दी अंडरस्टैंडिंग हमको कि ये 5 मिलेट कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे को, 5 ही खाने हैं और 5 के 5 गुण अलग अलग हैं। कोई ब्लड के लिए है, कोड़ो मान लीजिए ब्लड के लिए है, कुटकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए है, स्वांक पेट और लिवर के लिए है, ये जो ब्राउन टॉप है एंटी कैंसर है, जो फॉक्सटेल और ब्राउन टॉप दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो कुछ ये मेडिसिनल जो ये फूड भी हैं, बैलेंस फूड भी हैं और मेडिसिन भी हैं, इनकी मेडिसिनल क्वालिटी जो थोड़ी थोड़ी अलग अलग है, इसलिए इनको 5 को खाना है। हेल्दी व्यक्ति के लिए वो 2 दिन कहते हैं,
बैलेंस करके और डिजीज वाइज फिर थोड़ा थोड़ा उसको अप डाउन है, पर्टिकुलर ज़्यादा है या थोड़ा कम है, तो ये वो ऐसे ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन। डॉक्टर आजाद जी, एक छोटा सा एक क्वेश्चन है मेरा कि ये मिलेट्स जो है, जब से मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, खादर वली की भी वीडियो देखी है, डॉक्टर साहब की डाइट तो मैं ले ही रहा हूँ रेगुलर काफ़ी साल से, तो क्या ये मिलेट्स जो हैं, क्या ये स्किन डिजीज भी कुछ ऐसा कर देते हैं, खारिश वगैरह? मुझे DIP प्लस, मेरा जो भी एक्सपीरियंस है वो DIP प्लस मिलेट्स का है। अच्छा, मैंने किसी को मिलेट्स के लिए नहीं दिए। ठीक है, एपिक बेसलाइन है ही है वो, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कभी कभी के मुझे स्किन में खारिश वगैरह कभी कभी होती की है। सारी की सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। खतरनाक बीमारी है, कोई खत्म नहीं होती। वो आदमी 3 महीने के बाद आके खड़ा हो गया, डॉक्टर साहब गई गई है, तो मैंने उसको कहा था कि साल लगेगा, वो कहता है तो 3 महीने में गई। सर एक लास्ट, सर एक कुछ ऐड करना चाह रहा था मैं कुछ क्वेश्चन नहीं है, जस्ट वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू। सर 2014 में व्हेन आई वाज डायग्नोस्ड विद गॉल ब्लैडर स्टोन्स एंड किडनी स्टोन्स, तो मैं क्रिकेटर ही था, तो मेरा पूरा करियर चौपट हो गया था। मेरे फादर के 20-25 लाख रुपीज खर्च हो गए थे, ये हॉस्पिटल ये हॉस्पिटल। उस वक्त इंश्योरेंस का नहीं पता था, मेरे पास इंश्योरेंस नहीं था, हेल्थ इंश्योरेंस। सो व्हेन जब फाइनली मेरे को बोला गया कि आपको अपना गॉल ब्लैडर निकालना है, आई कुड नॉट यूरिनेट फॉर 2 डेज, मेरे रणजी ट्रॉफी सिलेक्शन मैचेस थे, मैं नहीं खेल पाया। तो इवेंचुअली घर में आ गया हूँ मैं चंडीगढ़ से वापस, कि मेरा गॉल ब्लैडर रिमूव होना है, सब कुछ होना है, सब कुछ सिलेक्ट था। तो डॉक्टर रॉय की मैंने वीडियोस देखी एंड स्टार्टिंग में आई लाफ्ड कि दिस जेंटलमैन इज आस्किंग फॉर दूध छोड़ दो, और हम लोग तो वहाँ चंडीगढ़ में वेरका का बस कट 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 पी जाते हैं। जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, जब मेरे को उन्हें, और मैं यूरिन नहीं कर पा रहा था, कह रहा आपका कैथराइजेशन होगा, मीन्स आपके जेंटल्स में पूरा पाइप डालेंगे, मेरे को सोच के चक्कर आ रहे थे कि भाई ये हो क्या रहा है। मैंने कहा चलो लास्ट है, डॉक्टर रॉय नाम बड़ा सुना है, चलो फॉलो करते हैं। इन 15 डेज माई पेन वॉज गॉन। 5 साल में फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि सीधा यूरिन कैसे निकलता है, अदरवाइज वो तो ऐसा जा रहा था एकदम, मेरा पेन चले गया था, सब कुछ चला गया था। और 2014 में आई स्टार्टेड माई क्लिनिक इसी के उस पर, क्योंकि मेरा क्रिकेट तो अब जा चुका था, एज भी हो रही थी। आज मेरे पास ऑलमोस्ट 600 ऑनलाइन पेशेंट्स हैं और 7000 ऑफलाइन हैं। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि पहले डॉक्टर रॉय की ये बुक पढ़ के आपको आना है, उसके बाद ही मैं आपको आगे बताऊँगा क्या करना है। दूसरी सर, आप दिस जेंटलमैन आस्क, वो वीकनेस वाला एक पॉइंट बताया था कि मेरे कुछ पेशेंट्स बोलते हैं वीकनेस, सर मैं एक्सक्यूज मी, आपने वो वीकनेस वाला बोला था ना, तो मैं उसमें ऐड करना चाहूँगा कि ये सेम क्वेश्चन इज आस्क बाय ऑल माय क्वेश्चन पेशेंट्स कि सर ये ना डाइट तो अच्छी है बट वीकनेस आती है। द पॉइंट इज कि लोगों को पता ही नहीं है कि परफेक्ट हेल्थ होती क्या है। व्हाट आई डिड, मैंने बोला आप डाइट पे आने से पहले सीढ़ियाँ चढ़ो। आप यकीन नहीं मानेंगे, ए वन ऑफ माई स्टूडेंट ही वॉज 52 ईयर्स ऑफ एज, उसने 150 स्टेयर्स ऊपर नीचे किया और आफ्टर 7 वीक्स 49 डेज के बाद इट वॉज 2790 स्टेयर्स सिंपली ऑन CTS, राइट। सो वाई आई एम सेइंग ऑल दिस, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर वॉचिंग ऑनलाइन, इवन माई 600 कम्युनिटी वो भी आज ऑनलाइन ही थी। सो इफ यू आर अ हेल्थ कोच, इफ यूर अ हेल्थ कोच एंड यू आर फॉलोइंग डॉक्टर बिस्वरूप रॉय, क्योंकि मैं सच बताऊँ 2014 में आई स्टॉप बिलीविंग इन गॉड्स। जब मेरे फादर के 20-25 लाख खर्च हो गए, अगर मैं उन डॉक्टर्स को अब कन्फ्रंट करूँ कि पूछो भाई मेरा तो ये फ्री में हो गया, तो हाउ वॉट आंसर्स दे वुड हैव। तो मेरे लिए तो डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी ही भगवान बन के आए, और अभी भी मेरी अलमारी में इन्हीं की फोटो लगी रहती है। ठीक है, तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर कोई भी ऐसा वीकनेस वाला क्वेश्चन पूछता है ना, आप उसको सबसे पहले पॉइंट बोलो कि आप डाइट पे आ रहे हो, आप पहले दिन स्टेयर्स करो, कंपलसरी है स्टेयर्स करना। मेरी कम्युनिटी में जिसने मेरे को एवरी वीक स्टेयर्स नहीं बताया, मैं उसको ग्रुप से रिमूव कर देता हूँ। तो स्टेयर्स के इंप्रूवमेंट ऐसे हैं, 150 फर्स्ट वीक, 220, 350, 1000, 1500, 2700। तो ये भी तो डायग्नोसिस हुआ ना। So we have to, as a health coach, if you are and somebody is listening us online, they should also consider these things. Number third, अभी मैं माना जी से बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि यूनिटी अगर होगी तो हम लोग बचे रहेंगे। स्टार्टिंग में मैं कहूँगा वी आर ग्रीडी। 4-5 ईयर्स मैंने हजारों लोगों को ठीक किया, बट आई नेवर टोल्ड कि भाई मेरे मेंटर तो डॉक्टर रॉय हैं। एंड द मोमेंट आई स्टार्टेड सेइंग टू everyone, पता नहीं वो गॉड ग्रेस है क्या है, मेरा काम 10 times ज्यादा हो गया, बिकॉज people started taking me very authentic. Yeah? So, if you're a health coach, trust me, try this. Tell everyone upfront ki who is, helped you out, कौन आपके mentor थे, and see the miracle happening. मैंने, मेरे father मेरे पास नहीं है, मैंने कभी उनको कुछ gift नहीं दे पाया, but right now, because of Dr. Roy, I have around 40-50 lakh rupees in my account.
जो जिसने मैंने 50,000 रुपये एक साथ नहीं देखे थे कभी क्या होते हैं, जस्ट बाय हेल्पिंग पीपल एंड जस्ट बाय डॉक्टर रॉय। तो मेरे लिए तो मैं नास्तिक बन चुका था, बट मेरे लिए एक ही भगवान है, डॉक्टर बिसूर प्रॉय चौधरी, और मैं मरते दम तक यही नाम लूँगा। द सेम इज हियर कि 9 महीने पहले जिसको मुझे हार्ट अटैक का डर होता था, और मैंने अपने बेटे को सारा अकाउंट दे दिया था कि बेटा मैं कभी भी जा सकता हूँ और ये सब, आई एम नॉट टेलिंग ए लाई। और मेरी वाइफ और मेरी बेटी तो रोने लगती थी, लेकिन बेटा प्रैक्टिकल था तो कहता हाँ पिताजी पैसे तो बता ही दो कहाँ पे हैं। तो वो उन्होंने सब कुछ दिया, और जब मैंने DIP डाइट को फॉलो किया तो नाउ आई एम वेरी मच ऑल राइट। और मैंने कितने हार्ट पेशेंट की सर्जरी को अवॉइड कराया कि अब वो हार्ट सर्जरी उन्होंने नहीं कराई मुझे देख के, कि चलिए कम से कम इसी के बहाने ये हुआ। तो मैं भी ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ज़िंदगी अच्छी जीना चाहते हैं तो आपको दो काम करने हैं, बहुत मेहनत कर रही है प्रोफेशनली, अच्छे पैसे कमाने हैं, और ओनली एंड ओनली डॉक्टर विश्रू प्राय चौधरी को आंख बंद करके भगवान मानकर जो कहें वो कर लेना। थैंक यू सो मच। मैं कैलकटा से हूँ, मीना गुप्ता, और मेरी 81 में शादी हुई थी, और शादी के बाद बस लगातार बीमार 13 साल की उम्र में ही बीमार हो गए थे, और 35 साल मेरा बीमारी का निकला है। और बहुत सारी बीमारी थी, यूरिन इन्फेक्शन, स्लिप डिस्क, डॉक्टर बोलते थे कभी बिस्तर से नहीं उठना, कमर में बेल्ट लगा के चलते थे, और हर समय बुखार रहता था मेरे को, और भी बहुत सारी तकलीफ थी, TB भी था, बहुत कुछ था। और जब से डॉक्टर साहब से मिले हैं तब से सबसे पहले तो हम खुद ही ठीक हुए, और बिल्कुल ठीक है, अभी हम दौड़ भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और जबकि चला भी नहीं जाता था, हर समय बेल्ट लगाते थे। और इनका डाइट लोगों को बता के आज हजारों पेशेंट हैं, और कम से कम 100-150 ऐसे पेशेंट हैं कि जो जब वो आके बोलते हैं कि हम ठीक हो गए तो मेरी आँख खुली की खुली रह जाती है, अच्छा आप ठीक हो गए, तो बहुत ही मिरेकल है। और मेरे लिए भी मेरे भगवान डॉक्टर रॉय हैं, इनके अलावा कोई नहीं है, और क्या बोले। थैंक यू आप सबको, लेकिन देखिए हर एक को कहीं ना कहीं